हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 15 फरवरी 2024 और देखिए 15 फरवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस ये मनाया गया है 12 फरवरी को। सुत्तूर यात्रा महोत्सव ये कर्नाटक में शुरू हुआ है। उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन IIT गुवाहाटी के द्वारा शुरू किया गया है। और कैबिनेट जो असम की है इसने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब ये जीता है सुमित नागल ने। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TT नियुक्त हुई है सिंधु गणपति। अलेक्जेंडर स्टव ये फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। KPP नामियार पुरस्कार यह मिला है एस सोमनाथ जो कि इसरो चीफ है उनको। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कौन सा देश शुरू करेगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात। इसके द्वारा दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी और यह कब शुरू होगी, तो 2026 तक दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये जो एयर टैक्सीज हैं ये बिजली से चलने वाली होंगी और इनकी जो रेंज है 161 किलोमीटर और इसकी जो मैक्सिमम गति है 321 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। अच्छा, अभी दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 को शुरू किया गया है और इसी शिखर सम्मेलन में UAE ने समझौता किया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन इसका उद्घाटन किसने किया है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अच्छा बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फ्रांस UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। इसी के साथ डिजिटल सेगन वीजा जारी करने वाला भी पहला यूरोपीय देश बना है। ये दो फैक्ट आपको फ्रांस के संबंध में याद रखना है। सऊदी अरब की जो कैपिटल है रियाद, यहाँ पर सऊदी अरब का पहला एल्कोहल स्टोर खोला जाएगा। यहाँ पर कोई भी अल्कोहल स्टोर नहीं था, यानी कि सऊदी अरब में अल्कोहल प्रतिबंधित था, लेकिन अभी ग्लोबलाइजेशन के महत्व को देखते हुए यहाँ की जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने यह डिसीजन लिया है यहाँ पर अब अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा और ये जो अल्कोहल है केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी और जिनको यहाँ का विदेश मंत्रालय मंजूरी देगा। चीन ने अभी आइंस्टीन प्रोब नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात का जो येलो शेडेड पोर्शन है ये है संयुक्त अरब अमीरात। कैपिटल अबू धाबी है, दिरहम करेंसी चलती है और राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अच्छा, जो संयुक्त अरब अमीरात है यहाँ के दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, जो अभी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए हुए हैं और यहाँ पर भारत पार्क बनाने की मंजूरी भी भारत की कैबिनेट ने दी है। तो ये दो फैक्ट एडिशनल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, अब जो है संचार के कई साधन हैं जैसे कि इंटरनेट है, बहुत सारे साधन हैं, लेकिन इससे पहले संचार का केवल एकमात्र साधन हुआ करता था रेडियो। ठीक है, फरवरी मंथ में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसमें जैसे कि 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया है, 2 फरवरी को विश्व अर्धभूमि दिवस, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है, 7 फरवरी को HIV/AIDS जागरूकता दिवस मनाया गया है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है
और 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है। तो ये फरवरी मंथ के अब तक जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रहस्यमय तेल रिसाव के कारण कहाँ राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, उपयुक्त दोनों यानी कि त्रिनिदाद और टोबैगो, इन दोनों ने अभी रहस्यमय तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं, तो त्रिनिदाद और टोबैगो के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पूर्वी कैरेबियन में एक महत्वपूर्ण तेल रिसाव के बाद आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है। टोबैगो के पास एक पलटे हुए जहाज से निकले रिसाव से समुद्र तट पर बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षति हुई है। ये आप देख सकते हैं लोकेशन टोबैगो और त्रिनिदाद की, यहाँ पर देख सकते हैं कि टोबैगो लोकेटेड है और ये है त्रिनिदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गाँव में कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अपार पहल। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। दूर दराज के जो ऐसे गांव हैं जहां पर जो सारी सुविधाएं हैं इसलिए नहीं पहुंच सकती हैं, उनके लिए यह पहल शुरू की गई है। स्टार्ट पहल यह इसरो के द्वारा शुरू की गई है। इसमें होगा क्या कि एक नए प्रशिक्षण स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा इसरो के द्वारा की गई है। इसमें एक प्रकार का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिया जाएगा, ठीक है। समर्थ पहल ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जिनका नाम है गिरिराज सिंह, ये केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। इन्होंने लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 जो ग्राम पंचायतें हैं इसमें डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ पहल की शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया, वे कौन थे? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये क्रिकेटर हैं। इनका भी कुछ दिनों पहले निधन हो गया है। अजीत सिंह गिल ये हॉकी खिलाड़ी हैं जिनका अभी कुछ दिनों पहले निधन हुआ है। संगीतकार राशिद खान, इनका भी निधन हो गया है राशिद खान। और फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ है, मारियो जगालो जो कि हैं ब्राजील की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। यहाँ पर 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है कोलकाता। तो जो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, इन्होंने 47 नंबर के कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है, ठीक। और इसका जो थीम देश है ब्रिटेन है, ये भी आपको याद रखना है। चेन्नई में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली, यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन किया गया है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, रणजीत कुमार अग्रवाल। इनको भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI का नया अध्यक्ष चुना गया है। रवि कुमार झा ये कौन है? तो LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO के रूप में रवि कुमार झा को नियुक्त किया गया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहलियानी को MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है। अजय कुमार चौधरी ये कौन है? तो NPCI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं अभी अजय कुमार चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक पारित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। यहाँ पर जो हुक्का पार्लर आपने सुना होगा, उसको बैन करने के लिए एक विधेयक पारित हुआ है, ठीक है। असम राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की है। राजस्थान
राजस्थान की जो प्रियांश सेन है, प्रियांश सेन इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। और बिहार, यहाँ पर देश का पहला बापू टावर बनाया गया है, बापू टावर जो कि तांबे की आवरण वाला है। ठीक, यहाँ पर आप तेलंगाना का मैप देख सकते हैं। राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें, 119 विधानसभा सीटों की संख्या। उर्दू और तेलुगु यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जिलों की संख्या 33 है। राष्ट्रीय उद्यान है महावीर हरणा वनस्थली, कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगावनी, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है। और देखिए, ये जो तेलंगाना है ये भारत का नवीनतम राज्य है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ओडिशा। ओडिशा का जो गुप्तेश्वर वन है इसको भी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और ये कहाँ लोकेटेड है? तो ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित है। और यह भारत का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। ठीक, अब बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने असम के गोगामुख में निर्माण कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। मेघालय में जो राष्ट्रपति हैं भारत की वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है। और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी गई है। ठीक, बाघ सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के मैराथन धावक केल्विन किप्टन का निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केन्या। केन्या के धावक हैं जिनका नाम है केल्विन किप्टन, इनका भी कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। ठीक, 24 वर्ष की आयु में। देखिए, केन्या जो है इसकी कैपिटल क्या है? नैरोबी है। केन्या की जो राजधानी नैरोबी है, यहाँ पर यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखेंगे। मिस्र, यहाँ पर जितने भी विश्व धरोहर स्थल हैं इन सभी पर सौर ऊर्जा स्टेशन को स्थापित किया गया है। रूस, ये ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कर रहा है। और देखिए, ब्राजील, यहाँ पर जो कॉफी के मैदान हैं बड़े बड़े, इनको फेजेंडा बोलते हैं। फेजेंडा, आपसे पूछा जाता है कि फेजेंडा क्या है? तो ब्राजील में जो कॉफी के मैदान हैं इनको फेजेंडा बोलते हैं। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। इसरो कहाँ से इंसेट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा? तो यह लॉन्च करेगा श्रीहरिकोटा, जो कि है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व दलहन दिवस 2024 कब मनाया गया है? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।